एक शिक्षक ने शिष्य को कहा, बेटा हर जगह परमात्मा है, ध्यान रखना, कण कण में भगवान है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोना नहीं जहां परमात्मा का वास न हो। वो समझ गया इस बात को अच्छे से। कुछ समय बाद शिष्य को साइकिल के आगे बिठाकर गुरुजी जा रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा गन्ने का खेत देखा, बच्चे को उतारा और बोला, जा बेटा गन्ना ले आ, ध्यान रहे कोई देखे ना, छुप छुपा के ले आना, माली आ जाएगा तो मारेगा, माली की आहट दिखे तो भाग आना। वो गया, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, गुरुजी को लगा शायद गन्ना तोड़ने में समय लग रहा है। पौन घंटे बाद वो बच्चा खाली हाथ आया। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ, तुझे एक माली ने देख लिया, क्यों नहीं लाया तू गन्ना? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, गुरुजी आपने कहा था ना कि परमात्मा हर जगह है, मुझे ऐसा एक भी स्थान नहीं दिखा जहां मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे लगा परमात्मा देख रहे हैं, मैं चोरी कैसे करूं, माली की तो दूर की बात है। गुरुजी ने जो कहा वो उस शिष्य के दिल में बैठ गया। गुरुजी तो कथनी और करनी में बड़े अंतर करते थे, लेकिन शिष्य ने कथनी और करनी एक कर ली। जो सुना एज इट इज वो क्रियान्वित भी कर दिया। तो आप और हम सब जानते हैं, मानते हैं कि परमात्मा हर जगह है। तो लोग कहते हैं दक्षिण में पैर रख के मत सो, उत्तर में सिर रख के मत सो, पूर्व में ये करो, पश्चिम में ये करो, दक्षिण मुखी मकान मत लो। परमात्मा चारों दिशाओं में हर जगह है, तो क्या दक्षिण क्या पश्चिम? सब क्षेत्र, सब कोने, सब स्थान पवित्र हैं, इस विधाता के ही तो बनाए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है दक्षिण किसी दानव ने बनाया हो और उत्तर किसी परमात्मा ने बनाया हो, ऐसा नहीं है। इस सृष्टि का रचयिता एक है। सेवक प्रशांत भैया के प्रेरक प्रवचनों की पुस्तक एवं डीवीडी घर बैठे मंगवाने हेतु संपर्क करें 02946222222।